अक्सर लोगों ने टॉर्नेडोज हॉलीवुड मूवीज में ही देखे होंगे, क्योंकि हर साल 65% टॉर्नेडोज अमेरिका में आते हैं। टॉर्नेडोज कैसे पैदा होते हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन में क्या फर्क है? और दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज सिर्फ अमेरिका के इस छोटे से हिस्से में क्यों आते हैं? जैम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, टॉर्नेडो बादलों के एक ऐसे टनल को कहा जाता है जो गोल घूमता हुआ, स्पिन करता हुआ आसमान से जमीन की तरफ आता है। इनमें से ज्यादातर तो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कई टॉर्नेडोज इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। अगर वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो टॉर्नेडोज एंटार्क्टिका को छोड़कर बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स पे ही पाए जाते हैं। कहीं कमजोर तो कहीं इनको बहुत पावरफुल फॉर्म में देखा जाता है। हर साल पूरी दुनिया में 2000 टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से 1300 सिर्फ अमेरिका में पैदा होते हैं, और ये दुनिया के बाकी टॉर्नेडोज के मुकाबले में होते भी सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। जहां पूरे अमेरिका में सालाना 1300 टॉर्नेडोज पैदा होते हैं, वहीं यहां एक ऐसा एरिया भी है जो अकेला साल में 800 के करीब टॉर्नेडोज बनाता है। इस एरिया में शामिल हैं टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का, और इस खास एरिया को हम टॉर्नेडो एली कहते हैं। ये वो जगह है जहां टॉर्नेडोज के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस पाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि टॉर्नेडो एली में ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज क्यों पैदा होते हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि टॉर्नेडो बनता कैसे है। टॉर्नेडोज नॉर्मली थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं, एक ऐसा खास किस्म का थंडर स्टॉर्म जिसको सुपर सेल कहा जाता है। ज्यादातर टॉर्नेडोज की पिक्चर्स देखी जाएं तो उसमें एक चीज कॉमन होती है और वो है ये वाला सुपर सेल। ये सुपर सेल नॉर्मली तब पैदा होता है जब ग्राउंड लेवल पे हवा की डायरेक्शन एक तरफ हो और आसमान में दूसरी तरफ। इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन की हवाओं के दरमियान विंड टनल पैदा हो जाता है, जिसके अंदर हवा सर्कुलर पैटर्न में घूमती है। शुरुआत में ये विंड टनल हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर ये विंड टनल ऐसे एरिया के ऊपर हो जहां एवोपरेशन हो रही होती है, तो फिर मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जमीन का पानी भाप बनकर जब ऊपर की तरफ जाता है, तो वो इस विंड टनल की डायरेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देता है, और इसके वर्टिकल होते ही पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। ये सिर्फ अब नॉर्मल थंडर स्टॉर्म नहीं, बल्कि ये स्पिन करता हुआ सुपर सेल बन जाता है। ये सुपर सेल तब मजीद भयानक हो जाता है जब जमीन से एवोपरेट होने वाले वेपर्स इसमें मुसलसल इकट्ठे होते रहते हैं, जो सुपर सेल की साइज को तेजी से बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि सुपर सेल में हवाएं तेजी से घूम रही होती हैं, इसी वजह से जमीन से उठने वाले वेपर्स भी इसमें स्पिन करते हुए फनल की शेप में ऊपर जाते हैं, जिनको फनल क्लाउड कहा जाता है। कई सुपर सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा फनल क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं। अगर एवोपरेशन का ये साइकिल ना टूटे और फनल क्लाउड के अंदर टेम्परेचर काफी गिर जाए, तो वाटर वेपर्स पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, और इसी के वजन से ये फनल क्लाउड जमीन से आकर टच करता है। जैसे ही ये जमीन से आकर टच होता है, तो इसका नाम फनल क्लाउड से ट्विस्टर या फिर टॉर्नेडो हो जाता है। टॉर्नेडो के अंदर तेज हवाएं मैक्सिमम 480 किलोमीटर पर आर की स्पीड से घूमती हैं, जो जमीन पर मौजूद किसी भी चीज को अपनी लपेट में ले सकती हैं। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स, दरख्त, पक्के घरों की खिड़कियां और हत्ता के कई घरों की छतें तक भी टॉर्नेडो की इन तेज हवाओं में उखड़ जाती हैं। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों और जानवरों को भी उठाकर दूर फेंक सकती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये गाड़ियों की डायरेक्शन को भी बदल सकती है। जैसे जैसे टॉर्नेडो ट्रैवल करता है, वो अपने अंदर ये तमाम चीजें लेकर उनको दूर दूर तक फेंकता जाता है, और ज्यादा नुकसान भी इसी की वजह से ही होता है। अब अमेरिका में टॉर्नेडो एली के एरिया में वो तमाम कंडीशंस बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं जिनसे टॉर्नेडो बनता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको से ह्यूमिड विंड्स यानी नमी वाली गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और वेस्ट पे मौजूद पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से हवाएं पहाड़ों के ऊपर से होकर जब गुजरती हैं, तो वो ठंडी भी हो जाती हैं और काफी ज्यादा ऊंची भी। वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं साउथ से चलने वाली हवाओं को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है।
क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली हवा नम और गर्म होती है, इसी वजह से इनमें मौजूद वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और इस विंड टनल को बिल्कुल सीधा वर्टिकल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सुपर सेल का बनना काफी ईजी हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी जाना, ये सुपर सेल तब मजीद बड़ा हो जाता है जैसे जैसे इसमें वाटर वेपर्स इकट्ठे होते जाते हैं। अब नॉर्मली ये ज़रूरी नहीं है कि हर सुपर सेल में से ही टॉर्नेडो निकले, क्योंकि सुपर सेल के बनते ही तेज़ बारिश या ओला बारिश शुरू हो जाती है जो ऊपर आने वाले वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती है और ऐसे सुपर सेल का साइकिल टूट जाता है। लेकिन टॉर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं बहुत तेज़ होती हैं जो बारिश के पानी को यहाँ गिरने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ एवोपरेशन का प्रोसेस टूट नहीं पाता और ऐसे सुपर सेल मजीद बड़ा होता जाता है। जितनी देर तक सुपर सेल बना रहेगा उतना ही इसमें से फनल क्लाउड और फिर टॉर्नेडो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में जहाँ टेक्सस, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का हैं, यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज पैदा होते हैं, करीब एक साल में 800 टॉर्नेडोज। अब ये तो हो गई टॉर्नेडोज की बात। तूफान की एक और भी किस्म होती है जिसको हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। वो क्या चीज़ है जिससे हमें ये मालूम पड़े कि ये तूफान हरिकेन है, टाइफून या फिर साइक्लोन? असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं और इन सब में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि इनमें कोई फर्क ही नहीं होता। ये तूफान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट रशियन बॉर्डर के करीब समंदर में जो तूफान बनता है उसको टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशन में पैदा होने वाले तूफान को साइक्लोन और नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशन में पैदा होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ये तीनों तूफान आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टॉर्नेडो से किया जाए तो फिर काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनका साइज। जहां हरिकेन हैरतअंगेज तौर पे 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, वहीं सबसे बड़े टॉर्नेडो की साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो टॉर्नेडो होता भले ही हरिकेन से बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में वो किसी से कम नहीं। सबसे ताकतवर हरिकेन जिसको कैटेगरी 5 का लेवल दिया गया है, उसमें हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आर तक जा सकती है, पर आज तक सबसे पावरफुल टॉर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर पर आर से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, यानी कैटेगरी 5 हरिकेन से भी दुगनी रफ्तार। दूसरा डिफरेंस ये है कि हरिकेन को जहां 36 घंटे पहले से फोरकास्ट किया जा सकता है, टॉर्नेडो को प्रेडिक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। यही वजह है कि टॉर्नेडो जहां भी हमला करता है अचानक ही करता है। थर्ड में 1999 की शाम को 6:23 पे अमेरिका में ओक्लाहोमा सिटी पे टॉर्नेडो ने अचानक हमला कर दिया था। जिस वक्त इसने हमला किया था उस वक्त तो ये कैटेगरी 4 था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने कैटेगरी 5 की भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। 85 मिनट्स तक ओक्लाहोमा पर तबाही फिरने के बाद $1 बिलियन का नुकसान करने और 36 लोगों की जान लेने के बाद ये आखिरकार थम गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड टॉर्नेडो था, जिसको आज ब्रिज क्रीक मोर टॉर्नेडो के नाम से याद किया जाता है। उस दिन ओक्लाहोमा पर तो सबसे बड़े टॉर्नेडो ने हमला किया था, लेकिन इसी दिन टॉर्नेडो एली की 5 स्टेट्स में टोटल 71 टॉर्नेडोज ने अलग अलग मकामात पर हमला किया। एक और वाक्य में टॉर्नेडो की अजीब शक्ल भी नोटिस की गई। 25 नवंबर 2018 को थाईलैंड के करीब कोहलिप आइलैंड पर टूरिस्ट ने समंदर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 टॉर्नेडोज को एक साथ पानी को टच करते देखा। बेशक पानी के ऊपर आने वाले टॉर्नेडोज इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बोट या यॉट को आसानी से पलटा सकते हैं। फुटेज में आसानी से देखा जा सकता है कि आइलैंड से करीब 2 किलोमीटर दूर टॉर्नेडोज पानी के सरफेस को ठीक ठाक ऊपर तक उछाल रहे हैं, जिससे इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब जाहिर है इन तूफानों को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन इनसे होने वाले नुकसानात को कम जरूर किया जा सकता है।
वेदर सैटेलाइट्स की मदद से मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर 5 मिनट के बाद समंदर में पैदा होने वाले तूफान पे नजर रखता है। तूफान की डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी कितनी स्पीड और कितनी इंटेंसिटी है, ये सब चीजें सैटेलाइट से मालूम करके एक एस्टिमेट लगाया जाता है और लोकल अथॉरिटीज को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।